हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। टाइम 24 न्यूज पर बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, बुलंदशहर में हुई गौकशी के शक में मारपीट के मामले में चंद्रशेखर की चेतावनी, आरोपियों पर नहीं लगाई गई एनएसए तो भीम आर्मी बुलंदशहर में देगी धरना। चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी पर भी साधा निशाना, बोले डॉक्टर कफिल पर लगाई जा सकती है एनएसए तो माहौल खराब करने वालों पर क्यों नहीं की जा रही एनएसए की कार्यवाही। के अभी सिकंदराबाद में जो घटना हुई थी, आज मैं जिस घर पे हूँ ये हमारे पीड़ित परिवार का घर है, हमारे भाई का घर है, उसके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है और ये किया गया है षड्यंत्र बना के, जिस तरह से एक डर का माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी, तो मैं अपने परिवार के बीच पहुँचा उनकी मदद करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो अकेले नहीं है। और ये सारी घटनाओं पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये एक प्रैक्टिकली वर्क है। अगर जब भी अपराध होगा और उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और योगी गवर्नमेंट पे तो ये संभल नहीं रहा है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार तो क्राइम को रोकने में असफल हो चुकी है, रोज़ तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, योगी गवर्नमेंट चुप है। ये अभी इसका पता आज लगेगा, हम उनको मेल करके पूछेंगे। मैं आपकी जानकारी में दिलाता हूँ, डॉक्टर कफील खान जेल में है, उन पर एनएसए लगी है, उनका सिर्फ उनका दोष ये था, क्राइम ये था कि वो उन्होंने AMU जाके स्पीच दी थी। और ये जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ किसी भी समय माहौल ख़राब हो सकता है, ऐसे मुकदमों में अगर एनएसए नहीं लग रही है और कफील खान पे एनएसए लग रही है तो समझ आ रहा है कितनी कार्रवाई हो रही है। किसे अब तक गिरफ्तारी, दो ही गिरफ्तारी हुई ना, पांच लोग तो नाम देते, क्या क्या कार्रवाई हुई? तो अभी हम DGP से को पूछेंगे और SSP को पूछेंगे, DIG को पूछेंगे कौन सी कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई के नाम पर लोगों को सांत्वना दिया जा रहा है, ये नहीं चलेगा ना। अब उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो भी माहौल ख़राब करेगा उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, ये बहुजन समाज की लड़ाई जो रुक गई थी उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आज हमारे लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और जब हमारे लोगों पर अत्याचार होंगे और उनके अधिकार छीनेंगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं ये बताने के लिए अब सड़क पर आ रहा हूँ कि चाहे सरकार किसी की अगर हमारे लोग अत्याचार होंगे तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार को बता देंगे कि तानाशाही नहीं चलेगी। बसपा सुप्रीमो लगातार ये दावा करती रही है, दलितों की पिछलों की लड़ाई बसपा ने लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। जी, मैं कब मना कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ना अधिकार है ना, स्वर्णों की इतनी पार्टी है वो भी लड़े, सबको अधिकार है। मेन दिक्कत ये है कि आदमी अपने प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। अब मेरा प्रयास ये है कि मैं अकेला भी सब जगह नहीं जा सकता, तो हमने टीम संगठन तैयार किया भीम आर्मी के माध्यम से। अब हमारा राजनीतिक संगठन तैयार होगा, एक भी पीड़ित अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। हम सबके पास जाएंगे, उनके दुख सुख को मैं उनके साथ रहेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। चंद्रशेखर ने पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल, बोले पुलिस ने मामले में बरती हिला हवाली। गौकशी के शक में मारपीट का शिकार हुए लोगों से मिलने बुलंदशहर के सिकंदराबाद पहुंचे थे चंद्रशेखर। 2 मार्च को गौकशी के शक में दो युवकों की कुछ लोगों ने बेरहमी से की थी पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ था वायरल। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, just past such